हाय एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिवीजन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में सैलरी डिस्कस किया था एंड नाउ इट इज टर्न फॉर हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी छोटा सा हेड है बट अगेन इंपॉर्टेंट हेड है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ सेक्शन आते हैं हाउस प्रॉपर्टी में, सेक्शन 22 से लेकर 27 तक, जिसको हमें डिस्कस करना है। आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि जब हम अपना हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर कर रहे हों तो हमें इतने सेक्शंस हमें आने चाहिए अच्छे से। ऑल्दो सेक्शन के नंबर याद करने इतना ज़रूरी नहीं होता, बट हाँ उसके प्रोविजंस हमें अच्छे से पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में वी हैव फ्रॉम सेक्शन 22 से लेकर 27 तक डिस्कस करने हैं। 22 एक सिंपल सा चार्जिंग सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी का, जो बताता है कि कब हमारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, उसके बारे में हम एक एक करके रिवाइज करेंगे। सेकेंड है सेक्शन 23, जो कहता है कि हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कंप्यूट कैसे करेंगे, तो हमारा जीएवी वगैरह की कैलकुलेशन, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, 23 में गिवन होता है। 24 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके दो पार्ट है, 24A एंड 24B। 24A में हम लोग डिडक्शंस देते हैं 30% ऑफ योर NAV, और 24B में जितना भी इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं, जितना ड्यू हुआ है फॉर द प्रॉपर्टी जो हमने बोरो किया था इंटरेस्ट, उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट कितना बनता है वो 24B में हम लोग देखेंगे। 25 में होती हैं डिडक्शंस विच आर नॉट अलाउड। जनरली जब इंटरेस्ट जो हमारा डिडक्शन अलाउड होती है, अगर वो हमने आउटसाइड इंडिया पे किया है बिना TDS डिडक्ट करे, या फिर कोई उस बंदे का एजेंट इंडिया में नहीं था, तो उस केस में भी हम लोग यहाँ पे डिडक्शंस अलाउड नहीं करते हैं इंटरेस्ट की। तो 25 ये बातें बताता है। 25A बताता है कि अगर कभी कभी जो हमारा रेंट अनरियलाइज रह गया था, या फिर एरियर्स ऑफ रेंट था जो हमें पहले नहीं मिल पाया था, अगर वो हमें बाद में हमें मिल जाता है तो कितना उसमें से टैक्सेबल होगा, कैसे उसको टैक्सेबल करते हैं, ये होता है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, सेक्शन 25A। 26 बताता है को ओनरशिप। वो बोलेगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी दो या दो से ज़्यादा लोग ओन करते हैं तो उस केस में वो कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है तो कैसे करते हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी होती है तो किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। लास्ट सेक्शन सेक्शन 27 है, जहां पर हम डीम्ड ओनरशिप की बातें करते हैं। बिकॉज सेक्शन 22 में लिखा हुआ है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबिलिटी आएगी वो तभी आएगी अगर असेसी इसका ओनर हो, इंक्लूडिंग डीम्ड ओनर। तो ये डीम्ड ओनर में कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं ये भी हमें डिस्कस करना है, जो हमें सेक्शन 27 में गिवन होते हैं। उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो हम हाउस प्रॉपर्टी में जिसकी चर्चा करते हैं, और इनका कोई सेक्शन नहीं है बट स्टिल हमें ये बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि वैकेंसी, अगर वैकेंसी हो, अगर हमारा प्रॉपर्टी वैकेंट हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वैकेंसी का। दूसरा होता है कंपोजिट रेंट का। कंपोजिट रेंट होता है कि अगर आपको प्रॉपर्टी के रेंट के साथ साथ किसी और की चीज़ों के भी पैसे मिलते हैं, जैसे कि आपने कुछ सर्विसेज दे दी अपने टेनेंट को, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें आपने उसको रेंट पर दे दी हैं और वो आपको एक लमसम रेंट देता है, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट रेंट। तो उस केस में हम कैसे ट्रीट करते हैं, यू शुड नो अबाउट दैट ट्रीटमेंट ऑल्सो। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, क्या उसकी भी टैक्सेबिलिटी बन जाती है। तो हम देखेंगे कि अगर कोई ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो ऑब्वियसली उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट है तो अगर उसकी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया तो उसको टैक्सेबल नहीं करते, अनलेस एंड अंटिल वो रेंट रिसीव हो जाता है अगर इंडिया में, तो उस केस में उसको भी हम टैक्सेबल कर देते हैं। और लास्ट आता है, एक ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में जहां पर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है आपकी जिसकी मल्टीपल यूनिट्स हैं, लेट्स से उसके ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर वगैरह हैं, या फिर एक पूरा एक ही फ्लोर है बट उसके अलग अलग यूनिट्स हमें दिए हुए हैं और बताया हुआ है कि उसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, डिफरेंट यूजेस होते हैं। जैसे कि हम ग्राउंड फ्लोर अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, फर्स्ट फ्लोर अपने रेसिडेंस के लिए यूज़ करते हैं, सेकंड फ्लोर फॉर एग्जांपल हमने लेट आउट कर दिया, तो उस केस में अगर एक ही प्रॉपर्टी के डिफरेंट यूजेस हम कर रहे हैं तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो जब हमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो हम कंफर्टेबली कह सकते हैं कि हमें हमारे पास एक अच्छी कमांड है इस चैप्टर की। बहुत ईजी चैप्टर है, चलिए रिवाइज करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 22 से मैं शुरुआत करता हूँ। सेक्शन 22 होता है चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहता है कि सबसे पहले देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्डिंग का मतलब यहाँ पर होता है कोई बिल्ट इन स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसे नहीं कि वो बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, नहीं, अगर वो छोटी बिल्डिंग है, दो रूम्स या वन रूम की भी बिल्डिंग है तो दैट इज कॉल्ड एज अ बिल्डिंग। वेकेंट लैंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेकेंट लैंड सिर्फ अगर वेकेंट लैंड है तो नहीं चलेगा। हाँ, अगर बिल्डिंग के साथ साथ अटैच्ड है वेकेंट लैंड तो हम उसको प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग विद और विदाउट लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू, तो उसके साथ अगर लैंड अटैच्ड है, अगर है या नहीं है तो दैट इज ओके विद अस। बट अगर सिर्फ वेकेंट लैंड है, अगर सिर्फ वेकेंट लैंड से अगर आपके पास रेंट वगैरह आता है तो वो IFOS की इनकम होती है, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं बनेगी, बिकॉज चार्जिंग सेक्शन कहता है कि देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि असेसी उसका ओनर होना चाहिए, ठीक है, वहां पर असेसी उसका ओनर हो तभी हम ये इनकम हाउस के हाउस प्रॉपर्टी ही बनाएंगे। अगर वो उसका ओनर नहीं है बट फिर भी उसने वो बिल्डिंग लेट आउट कर दी है, जैसे हम लोग सब लेटिंग देखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है टेनेंट किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर लेता है और उसको आगे फर्दर सब लेट कर देता है, तो वो उस केस में वो असेसी अगर उसका ओनर नहीं है तो वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी की नहीं बनेगी, फिर हम इनकम उसकी वो IFOS वगैरह की बना देते हैं सब लेटिंग के केस में। बट यहाँ पर ओनरशिप का मतलब है इंक्लूडिंग डीम ओनरशिप, यानी कि डीम ओनरशिप के कंसेप्ट हम लोग सेक्शन 27 में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जहाँ पर देखते हैं कि असेसी इसका रियल ओनर रजिस्टर्ड ओनर तो नहीं है बट फिर भी हम मानते हैं उसको कि आप ही इसके ओनर हैं, तो उस केस में भी सेक्शन 22 कहता है कि हम ठीक है अलाउ करेंगे उसको और सेक्शन 22 में उसको टैक्सेबल करेंगे एज हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि अगर असेसी ओनर है या डीम्ड ओनर है दोनों ही केसेस में आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को ही मानेंगे। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज है असेसी इस बिल्डिंग को अपने बिजनेस में यूज ना कर रहा हो। अगर वो असेसी इस बिल्डिंग को अपने बिजनेस में यूज करता है तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं या जो भी इनकम है वो हम PGBP की इनकम ही मानते हैं या PGBP के एक्सपेंसेस ही मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल असेसी की एक फैक्ट्री है या असेसी का गोडाउन है या शोरूम है शॉप है वो अपने बिजनेस में यूज करता है तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो PGBP के एक्सपेंसेस होते हैं और उससे रिलेटेड अगर कोई भी इनकम जनरेट हो जाती है वो भी इनकम PGBP की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल है अगर एक असेसी एक कंपनी है कंपनी के पास अपने कुछ फ्लैट्स हैं जो उसने अपने इम्प्लॉइज को रेंट पर दे दिए। अब देखिए अगर इम्प्लॉइज को रेंट पर दिए हैं तो क्या कंपनी का ये मोटिव था उनसे रेंट जनरेट करना? नहीं, कंपनी का मोटिव था कि हम अपने इम्प्लॉइज को एज अ परक्यूजिट देते हैं उसको, तो वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर बिजनेस दिए जा रहे हैं, तो वो जो रेंट इम्प्लॉइज से रिकवर किया जाता है दैट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और वो इनकम PGBP की इनकम होती है नॉट हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बिल्डिंग यूज्ड फॉर एनी पर्पस आप यूज कर सकते हैं बट बिजनेस और प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं तो वो हमारी बिल्डिंग को हम हाउस प्रॉपर्टी में मत लाइएगा, उसको आप PGBP में ही ले जाइएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं जहाँ पर इनकम PGBP में चली जाती है। जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था अगर हमने अपनी बिल्डिंग लेट आउट कर दी अपने इम्प्लॉइज को, ठीक है, बिकॉज हमने एज अ परक्यूजिट उनको दिया है जिससे कि वो उनका टाइम सेव हो सके, इतनी दूर अगर वो रहते हैं वो इतना दूर से आना जाने में उनका टाइम लगता है, अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं वो लोग, तो हमने उनको अपनी फैक्ट्री के पास में अपने ऑफिस के पास में उनको हमने उनको प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी है, बिल्डिंग लेट आउट कर दी है, एक फ्लैट या इस तरह की चीज़ें हमने लेट आउट करी हैं, उनसे जो रेंट आएगा प्लीज़ उसको PGBP में रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो रेंट अगर आपने इम्प्लॉयज से आ रहा है प्लीज़ PGBP की इनकम बनाइएगा, हाउस प्रॉपर्टी मत बनाइएगा। गेटिंग इट? ओके। दूसरी चीज़ें हैं अगर हम बिल्डिंग लेट आउट कर देते हैं इसलिए क्योंकि हमारा बिजनेस अच्छे से चल सके, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहां पर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं तो उनके लिए हमने एक बैंक का काउंटर ओपन करा दिया है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वर्कर्स हैं जिनको अपने बैंक में पैसे जमा करने या विड्रॉ करने होते हैं, तो अगर या फिर हमारे बिजनेस के लिए भी वो हेल्प करता है, तो इनकेस अगर हमने कुछ इस तरह की चीज़ें बना दी हैं कोई गवर्नमेंट ऑफिस गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस या फिर कोई बैंक का ब्रांच हमने उसको लेट आउट कर दिया है, रीजन बीइंग वो हमारे बिजनेस में हेल्प कर रहा है, तो उस केस में भी जो इनकम वहां से आएगी दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस। या फिर हम अपने बिजनेस में फॉर एग्जांपल हम रॉ मटेरियल परचेज करते थे और वो रॉ मटेरियल काफी दूर से आता था, लेट्स से 20-25 किलोमीटर दूर से आता था जिससे कि हमारे फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन में देर हो जाती थी, डिले होता था उसमें, हमारी वो साइकिल प्रोडक्शन साइकिल बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती थी, इसलिए हमने क्या किया जो हमारा सप्लायर है हमने उसको बोला कि एक काम करिए यार हमारी इतनी बड़ी फैक्ट्री है हम आपको यहाँ पर एक रूम दे रहे हैं, आप जो अपना रॉ मटेरियल हम आपसे परचेज करेंगे आप इसी जगह पर बनाइएगा बट हाँ हम इस जगह का आपसे रेंट चार्ज करेंगे, तो प्लीज़ बताइए क्या ये हमने ये हमारी बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी ये जो रेंट आता है ये हाउस प्रॉपर्टी में माना जाएगा? आंसर इज नो, बिकॉज हमने वो अपनी यूनिट वो पर्टिकुलर जो स्पेस है वो इसलिए रेंट पर दी है जिससे कि हमारे बिजनेस एक्टिविटी ठीक से हो सके, तो इस तरीके से जो रेंट आता है दैट इज आर PGBP इनकम, राइट। तो अगर हमने बिल्डिंग लेट आउट करी है फॉर टू एंसिलरी यूनिट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट्स यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस तो ये भी इनकम हमारी PGBP की इनकम होती है, इसको हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर बिल्डिंग हमने यूज किया फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन इन दैट केस वही इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाती है, बट अगर वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड यूज हो रही है तो वो हमारी इनकम या एक्सपेंस जो भी होते हैं वो PGBP की एक्सपेंस और इनकम बनते हैं। सेम अगर असेसी का बिजनेस ही ऐसा है, उसने अपने एक कंपनी है उसने अपने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में यही लिखा हुआ है कि हमारा काम है सिर्फ रेंट पर
प्रॉपर्टी देने का, यानी कि उनका नेचर ऑफ बिजनेस, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव ही ऐसा लिखा हुआ है कि हमारा बिजनेस है रेंट पर देने का, तो उस केस में वो उनकी पीजीवीपी की इनकम हो जाती है। तो एक सुप्रीम कोर्ट का केस था, जो आपको केस का नाम याद नहीं करना है, बस सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए है, रॉयल ऑफ ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड का केस था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका तो बिजनेस ही ऐसा है, उन्होंने तो सीधा सीधा अपने मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव ही लिखा हुआ है कि वो बिल्डिंग रेंट पर देने का उनका काम है, तो इस केस में वो बिल्डिंग से जो इनकम आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी की ना होकर पीजीबीपी की होगी, बिकॉज दे आर इनटू सच बिजनेस। बट फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डर है लाइक डीएलएफ, लाइक सुपरटेक, उनके पास बिल्डिंग होती है, जो जनरली उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो बिल्डिंग बनाएंगे और बेचेंगे, राइट? उनका बेचने का मोटिव होता है, यानी कि उनका बिल्डिंग उनका स्टॉक इन ट्रेड है। बट फिलहाल फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू सम रीजंस अभी रियल स्टेट मार्केट मान लेते हैं डाउन है, अभी उनका बिक नहीं रहा है स्टॉक, तो वो क्या करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, अगर उन्होंने उसको ड्यूरिंग दैट टाइम उन्होंने थोड़े दिन के लिए उसको रेंट पर दे दिया है, तो ऐसी जो इनकम आती है, बिकॉज उनका बिजनेस रेंट पर देने का नहीं था, उनका बिजनेस था सेल आउट करने का, बट फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने उसको रेंट पर दे दिया है, लेट आउट कर दिया है, दैट इनकम वुड बी हाउस प्रॉपर्टी इनकम, उसको इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम ही मानते हैं। गॉट इट? तो मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लिया, अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी एज अ स्टॉक इन ट्रेड है, स्पेशली बिल्डर्स वगैरह के पास, तो अगर वो लोग उनका रेंट पर देने का बिजनेस नहीं था, उनका था बेचने का बिजनेस, बट अगर फिर भी रेंट पर दे देते हैं, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी इनकम, नॉट बिजनेस इनकम, राइट? दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट है, जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अच्छा मुझे बताइए सैलरी की इनकम, सैलरी की इनकम का जो बेसिस होता है टैक्सेबिलिटी का, वो कैसे होता है? ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, जितनी भी सैलरी हमारी ड्यू होती है ड्यूरिंग द ईयर वो भी हमारी टैक्सेबल हो जाती है, बट अगर वो ड्यू होने से पहले ही रिसीव हो जाती है, यानी कि एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल होती है, बट हाउस प्रॉपर्टी अगर हमें रेंट एडवांस में मिल जाए तो टैक्सेबल नहीं होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम सिर्फ टैक्सेबल होती है ओनली ऑन ड्यू बेसिस, जितना पैसा आपका रेंट ड्यू हो गया हम लोग उसको टैक्सेबल कर देंगे, जो रेंट अभी ड्यू नहीं हुआ है हम उसको टैक्सेबल नहीं करते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन बोलता है। तो दोबारा से एक बार रिपीट मैं कर दूं, एक बिल्डिंग होनी चाहिए विद लैंड या विदाउट लैंड चलेगा, बट अगर वेकेंट लैंड है तो नहीं चलेगा। दूसरी चीज, असेसी उसका ओनर हो या डीम्ड ओनर हो। तीसरी चीज, वो असेसी उस बिल्डिंग को किसी भी तरीके यूज करे, बट अगर वो बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है तो पीजीबीपी, अदरवाइज हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। ओके, सेक्शन 23 जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो कहता है कि हम अपनी हाउस प्रॉपर्टी की कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। कंप्यूटेशन का फॉर्मेट बहुत आसान है और आप प्लीज इसी फॉर्मेट पर स्टिक रहिएगा। सबसे पहले हम अपनी प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, जीएवी। अभी देख लेंगे हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको जीएवी निकालेंगे, उसके बाद उसमें से माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, एक्चुअली पेड बाय द ओनर। अगर टेनेंट ने पे किए हैं तो प्लीज माइनस मत कीजिएगा, इट शुड बी पेड बाय द ओनर या डीम्ड ओनर एज द केस में भी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालिए जीएवी, फिर म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड, अगर हमारे सिर्फ वो म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू हुए हैं बट अभी तक हमने पे नहीं किए हैं, प्लीज उसको माइनस मत कीजिएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस आर अलाउड ओनली ऑन पेमेंट बेस, जितना हमने पे कर दिया, वो भी कब? आरओआई की ड्यू डेट तक या ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर आरओआई की ड्यू डेट नहीं देखते हैं, वो सब हम पीजीबीपी से बातें देखना शुरू करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी में जितना भी आपने म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि हमारे लिए प्रीवियस ईयर है 23-24, यानी कि अप टिल 31 मार्च 24 तक अगर आपने पे कर दिया है लैंडलॉर्ड ओनर, तभी हम अलाउ करेंगे। अगर आपने 1 अप्रैल को किया है, एक दिन बाद भी किया है, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर में पे माना जाएगा और उसकी रिडक्शन फिर उसी साल मिलेगी जिस साल वो पे हुआ है। यानी कि यहाँ पर आपके म्युनिसिपल टैक्सेस पे हो जाने चाहिए अप टिल हमारे प्रीवियस ईयर के लिए, प्रीवियस ईयर 23-24 तक, यानी कि 31 मार्च 24 तक पे हो जाने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपने जीएवी कैलकुलेट किया, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस अगर है तो पेड बाय द ओनर, पेड बाय द टेनेंट है तो प्लीज माइनस मत कीजिएगा, ओनर अगर है तो माइनस कीजिएगा। उसके बाद माइनस करने के बाद आपके पास आती है एनएवी, जिसको हम कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू। आपके पास नेट एनुअल वैल्यू आएगी, इसके ऊपर हम डिडक्शंस देते हैं। सेक्शन 24 की डिडक्शंस होती हैं 24A 24B। 24A कहती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जितना भी हमारा एनएवी आया उसका 30% हम डिडक्शन दे देते हैं, ये फ्लैट डिडक्शन होती है। प्लीज याद रखिए, हाउस प्रॉपर्टी में हम बाकी डिडक्शंस नहीं देते। फॉर एग्जांपल अगर लैंडलॉर्ड ने रिपेयर के ऊपर खर्चा किया, फॉर एग्जाम्पल लैंडलॉर्ड ने अगर ओनर ने अगर आपका रिपेयर्स या इंश्योरेंस इस तरह के खर्चे किए हैं, प्लीज हम उसकी रिडक्शन नहीं देते हैं। यहाँ पर हम एक स्टैट्यूटरी स्टैंडर्ड रिडक्शन देते हैं 30% ऑफ एनएवी। कभी कभी एनएवी जीरो भी होता है, जैसे अभी हम देखेंगे, तो ये रिडक्शन फिर जीरो हो जाती है, क्योंकि 30% ऑफ जीरो लोगे तो आप जीरो ही आएगा। बट हाँ, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही है तो उसका 30% आपकी रिडक्शन, एक फ्लैट रिडक्शन मिल जाएगी।
कभी कभी क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ दूसरे क्वेश्चन भी मिलाकर आ जाते हैं, और वहां पर सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में से इतनी सी बातें दी होती हैं कि रेंट रिसीव्ड रुपीज 5 लाख, रेंट रिसीव्ड रुपीज 5 लाख। तो प्लीज बताइए कि वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है या वो रेंट रिसीव्ड है? वो रेंट रिसीव्ड है। हम आगे देखेंगे वो हमारा जीएवी बनेगा। अगर म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में बातें नहीं दी गई हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस जीरो मानेंगे, फिर वही हमारा एनईवी बन जाएगा। फिर हमें उसमें से 30% डिडक्शन देनी ही चाहिए अगर हमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है। तो ये मैं ऐसे क्वेश्चंस की बातें कर रहा हूँ जो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी के भी एक दो पॉइंट्स दे दिए और बाकी क्वेश्चंस के भी, बाकी चैप्टर्स के भी कुछ पॉइंट्स दे दिए। तो वहां पर अगर रेंट रिसीव्ड लिखा हो तो प्लीज याद रखिएगा कि रेंट रिसीव्ड हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होती, रेंट रिसीव्ड हमारा जीएवी होता है। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस अगर दिए गए हैं तो माइनस कर दीजिएगा, नहीं दिए हुए तो वही हमारा एनईवी हो जाएगा। उसमें से 30% डिडक्शन देना याद रखना, क्योंकि 30% हमेशा डिडक्शन दी जाएगी एनईवी में से। ठीक है, तो 24 होगा 30% ऑफ एनईवी, 24 भी होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने लोन कोई चल रहा है, क्यों लोन लिया था आपने, उसको परचेज करने के लिए या उसको कंस्ट्रक्शन कराने के लिए या इवन रिपेयर्स या रिनोवेशन या रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन लिया था उसी प्रॉपर्टी के ऊपर जिसकी आप यहाँ पर कंप्यूटेशन कर रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट भी हमारा माइनस हो जाता है। ये 24 बी की डिडक्शन है, और इस तरीके से आपकी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये फॉर्मेट काफ़ी सिंपल है। ठीक है, सिर्फ ये 5-6 लाइन्स है जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहले जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड एनएवी, एनएवी में से 24 ए 24 बी और हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाती है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि हम जीएवी कैसे कंप्यूट करेंगे। देखो, जीएवी कंप्यूट करने के लिए आपको चाहिए कि कितना आपकी इस प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट है, इसको ईआर भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है। कुछ लोग इसको एनुअल लेटिंग वैल्यू भी बोल सकते हैं, एनुअल लेटिंग वैल्यू या नोशनल रेंट भी बोल सकते हैं, कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं, बात एक ही होती है। तो हम इसका एक्सपेक्टेड रेंट या एनुअल लेटिंग वैल्यू या नोशनल रेंट वो देखते हैं, और इसको कंपेयर करते हैं इसके हमारे एक्चुअल रेंट से, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, क्योंकि ड्यू बेसिस पर हम ले रहे हैं। जितना भी हो सकता है कि अभी तक ड्यू हो गया हो पर रिसीव ना हुआ, तो हम रिसीवेबल भी लेते हैं इसमें, क्योंकि हम ड्यू बेसिस पर देख रहे हैं। तो जितना भी हमारा एक्चुअल रेंट है और एक्सपेक्टेड रेंट है, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो हमारी जीवी बनेगी। कभी कभी अगर प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं दी गई है, फॉर एग्जाम्पल, या कोई और रीजन, जैसे हम आगे देखेंगे, तो अगर ये जीरो है तो एक्सपेक्टेड रेंट तो कुछ होगा। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट जीरो है, विच एवर इज हायर, तो एक्सपेक्टेड रेंट भी कभी कभी आपकी जीवी बन जाती है। या फिर अगर एक्सपेक्टेड रेंट फॉर एग्जाम्पल 2 लाख है और एक्चुअल रेंट आपका 1,80,000 है, तो विच एवर इज हायर, 2 लाख रुपीज आपका जीवी बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्सपेक्टेड रेंट या एनुअल लेटिंग वैल्यू को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेंट को डिटरमाइन करते हैं जो भी हमारा म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू होती है या फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर। तो म्युनिसिपल रेंट या फेयर रेंटल वैल्यू में से जो भी हायर है उसको निकालिए, उसको कंपेयर कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट गिवन है, तो कभी कभी नहीं भी होगा स्टैंडर्ड रेंट गिवन, तो इग्नोर कर दीजिएगा। बट अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन है तो उससे उसको कंपेयर कीजिएगा, विच एवर इज लोअर, वो हमारी एक्सपेक्टेड रेंट होता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 3 चीज़ों से मिलाकर हमारा एक्सपेक्टेड रेंट बनता है। सबसे पहले म्युनिसिपल रेंट या फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो निकालिएगा, और इसको कंपेयर कीजिएगा स्टैंडर्ड रेंट से, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा दैट विल बी आर जीएवी, सॉरी दैट वुड बी आर एक्सपेक्टेड रेंट, राइट। तो कभी कभी अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं है तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा आप उसको ले सकते हैं कि वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है। अपने एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर कीजिएगा एक्चुअल रेंट से, और इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो हमारा जीएवी बन जाएगा। ठीक है, म्युनिसिपल रेंट, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट क्या होते हैं, ये सब बातें तो आपको पता है, और इनफैक्ट ये पूछी भी नहीं जाएंगी इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। तो वैसे भी आपको पता है म्युनिसिपल रेंट वैल्यूएशन क्या होती है, जो भी उस सिटी या उस टाउन की जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जब वो आपको म्युनिसिपल टैक्सेस लगाती है, तो वो आपके प्रॉपर्टी की जो म्युनिसिपल वैल्यू फिक्स करती है उसको कहते हैं म्युनिसिपल रेंटल वैल्यूएशन। अदरवाइज ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इनको आप स्किप भी कर सकते हैं या फटाफट आप इनको पढ़ भी सकते हैं। फेयर रेंटल वैल्यू क्या होती है, जो भी हमारे प्रॉपर्टी, हमारे जैसी प्रॉपर्टी की सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर लोकेलिटी में जितना भी हमारा रेंट जनरेट हो सकता है उसको कहते हैं फेयर रेंटल वैल्यू, राइट। अगर ये प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, अगर ये इंडिया के बाहर सिचुएटेड है प्रॉपर्टी, तो क्या फिर भी टैक्सेबल होती है उस प्रॉपर्टी में? द आंसर कुड बी यस। व्हेन? अगर देखिए, अगर हमारा असेसी एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, यू अंडरस्टैंड, ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। तो इन दैट केस, तो अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया भी है तो आप उसको भी टैक्सेबल कीजिएगा अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी।
बट अगर असेसी एक नॉन रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उस केस में क्या हम ये इनकम अराइज करेंगे? द आंसर कुड बी अगेन येस, अगर वो इनकम डायरेक्टली रिसीव होती है, रेमिटेंस नहीं, अगर वो इनकम डायरेक्टली रिसीव हो रही है इंडिया में, तो फिर नॉन रेसिडेंट को भी या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी टैक्स देना पड़ सकता है उस हाउस प्रॉपर्टी इनकम के ऊपर। बिकॉज वाई, हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस या स्कोप ऑफ टोटल इनकम में पढ़ा था, एनी इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया। तो अगर नॉन रेसिडेंट के या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी ये इनकम टैक्सेबल हो सकती है। ओके, अब मैं बातें कर रहा था वैकेंसी की। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कंसेप्ट होता है वैकेंसी का, तो हमें क्या करना है? फॉर एग्जांपल, अगर हमने प्रॉपर्टी अपनी लेट आउट की थी, हमने लेट आउट की थी, हम सोच रहे थे कि 12 महीने के लिए लेट आउट रहेगी, बट हमारा टेनेंट इसको 10 महीने के बाद ही छोड़कर चला गया, और फिर वो प्रॉपर्टी अगले 2 महीने तक वेकेंट हो जाती है। तो अगले 2 महीने तक वेकेंट हो जाती है, तो अगर वैकेंसी का मतलब होता है कि हमने उसको लेट आउट भी नहीं किया और हम खुद भी नहीं रहते। अगर फॉर एग्जांपल 2 महीने के बाद अगर 10 महीने टेनेंट हमारा रहता है और वो 10 महीने के बाद छोड़कर चला गया, और अगर हम जाकर उसमें खुद रहने लगे, हमारे फैमिली मेंबर्स रहने लगे, उसको वेकेंट नहीं बोलते, फिर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी ना वो प्रॉपर्टी 2 महीने के लिए। ठीक है, वेकेंट का मतलब होता है खाली, यानी कि वहां पर लॉक था, दिस इज कॉल्ड वेकेंट। तो वेकेंट का मतलब होता है नीदर लेट आउट, ना तो वो लेट आउट है, नॉर इवन सेल्फ ऑक्यूपाइड, ना ही आप या आपके फैमिली मेंबर्स उसको ऑक्यूपाई कर रखा है, यानी कि यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, वेकेंट है वो। तो इनकेस अगर वैकेंसी है तो यहाँ पर हमारा हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेशन हमें थोड़ा रिलैक्सेशन देती है, वो कहती है फिर हम पूरा 12 महीने के हिसाब से टैक्स नहीं लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा आपको उससे कम टैक्स लेंगे क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी वेकेंट है। बट यहाँ पर फिर हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो यहाँ पर हम लोग अपना जीएवी, हम लोग जानते हैं हमारी जीएवी होती है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज लोअर, राइट। अब देखो एक्चुअल रेंट तो हमारा सिर्फ 10 महीने का आया होगा, जैसे मेरे एग्जाम्पल में अगर प्रॉपर्टी 10 महीने लेट आउट थी और 2 महीने वो चला गया था, तो यानी कि सिर्फ 10 महीने लेट आउट थी, तो हमारा एक्चुअल रेंट तो 10 महीने का आया होगा। एक्सपेक्टेड रेंट हम लोग जो ले रहे होंगे, जो हमारी म्युनिसिपल वैल्यूएशन होगी या फेयर रेंटल वैल्यू होगी या स्टैंडर्ड रेंट होगा, वो हम पूरे साल का ले रहे होंगे, तो ये दोनों कंपेरेबल ठीक नहीं लगते हैं। तो इस केस, अगर इनकेस वैकेंसी है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इनकेस वैकेंसी है, वैकेंसी को मैं कॉमनली कह सकता हूँ कि वहां पर लॉक्ड है वो प्रॉपर्टी, ना तो खाली है, लॉक का मतलब ये है कि खाली है, ना तो वहां पर टेनेंट रहता है, ना ही वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस केस में आपको क्या करना है? क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का होगा और एक्चुअल रेंट आपका कम होगा, तो उस केस में सिर्फ वैकेंसी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ऐसा हो हुआ, फॉर एग्जांपल वो 10 महीने लेट आउट थी और 2 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, फिर ऐसा ट्रीटमेंट मत करिएगा। ये ट्रीटमेंट हमें सिर्फ वैकेंसी के केस में करना है। तो एक्सपेक्टेड रेंट को आप ये देखेंगे कि आपका एक्चुअल रेंट शायद हो सकता है कम आ रहा हो, अगर एक्चुअल रेंट कम आ रहा हो, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट ज्यादा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो एक्चुअल रेंट ही जीएवी हो जाता है। बट अगर एक्चुअल रेंट कम आ रहा हो, रीजन क्या है कम आने का? अगर आपको पता चले कि रीजन वैकेंसी है, इट इज लेसर बिकॉज ड्यू टू वैकेंसी, तो उस केस में हम लोग फिर हम एक्सपेक्टेड रेंट को इग्नोर कर देते हैं, फिर एक्चुअल रेंट को ही हम लोग यहाँ पर जीएवी मान लेते हैं। तो इसको आपको कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप इसका प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लीजिए। प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं? जो भी आपका, फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड रेंट आपका 120,000 आ रहा है पूरे साल का, और आपकी 2 महीने की वैकेंसी है, 2 महीने की वैकेंसी, आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, वैकेंसी है, वैकेंसी मतलब लॉक्ड है, तो आप वैकेंसी का पीरियड माइनस कर दीजिए इसमें से, वैकेंसी का पीरियड माइनस कर दीजिए, क्योंकि यानी कि ये पूरा 120,000 पूरे 12 महीने का था। तो फॉर एग्जांपल अगर 2 महीने की वैकेंसी है, तो 2 महीने का पीरियड इसमें से माइनस कर दीजिए और इसका प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकाल दीजिए। यानी कि आप सिंपल बोलेंगे, सर 120,000 तो 12 महीने का है, तो 10 महीने का कितना होगा? बिकॉज मैं 2 महीने की वैकेंसी हटा रहा हूँ, तो आप सिंपल कर दीजिएगा 120,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू वैकेंसी का पीरियड हटाया तो 10 आया, तो आपका आ जाएगा 1,00,000 रुपीज। तो आप प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट सिर्फ कैलकुलेशन के लिए प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकाल कर देखिएगा, फिर आप कंपेयर कीजिएगा प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट को और एक्चुअल रेंट को। अगर इन दोनों में से हायर एक्चुअल रेंट है, तो फिर तो एक्चुअल रेंट ही हमारा जीवी हो जाएगा। बट अगर इन दोनों में से हायर पीईआर है, पीईआर का मतलब प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने प्रोपोर्शनेट करने के बाद जब इनको कंपेयर किया और आपको पता चला कि इन दोनों में से हायर तो अभी भी पीईआर है, तो उस केस में आपकी जीएवी हो जाती है एक्सपेक्टेड रेंट, पीईआर नहीं। पीईआर जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस, पीईआर सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए था, उस केस में आपकी जीएवी हो जाती है एक्सपेक्टेड रेंट। याद आ गया आपने कंसेप्ट पुराने? ठीक है, तो वैकेंसी के पीरियड में
वैकेंसी के लिए प्लीज माइनस कीजिएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोल दूं कि हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो 10 महीने के लिए लेट आउट थी, एक महीने के लिए वो वैकेंट हो गई, फिर बाद में एक महीने हम खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गए, तो प्लीज बताइए जो अपना प्रोपोर्शनल एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे वो कितने पीरियड का निकालेंगे? 11 मंथ्स का, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 1 मंथ की थी, 10 मंथ्स लेट आउट था, एक महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था, ठीक है, रेंट नहीं आया क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड था, बट वैकेंट नहीं था ना, वैकेंट सिर्फ एक महीने का। तो आप PER जो निकालेंगे वो 11 मंथ्स का निकालेंगे। तो दिस इज अगेन एंड अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग कि जब आप प्रोपोर्शनल एक्सपेक्टेड रेंट निकालें तो सिर्फ वैकेंसी का पीरियड ही माइनस करने के बाद PER निकालिएगा, और PER और एक्चुअल रेंट में से विच एवर इज हायर पहले देखिएगा। अगर इसमें से एक्चुअल रेंट हायर हो तो एक्चुअल रेंट ये भी बन जाएगा, बट अगर इसमें से PER हायर हो तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हमारा बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट ही जीएवी होगा, ठीक है, PER नहीं होगा, PER इज जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस, राइट। तो इस तरीके से आप वैकेंसी करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। जो हमारा अनरियलाइज्ड रेंट होता है, अनरियलाइज्ड रेंट ऐसा वो होता है कि जो हमारा बैड डेट्स हो गए थे, एक्चुअली हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट थी बट हमारा टेनेंट ने हमें पैसे नहीं दिए थे, वो चला गया था, वो छोड़कर चला गया था, उसने कभी पैसे नहीं दिए थे। तो अगर हमारा अनरियलाइज्ड रेंट हो जाता है, बैड डेट्स हो जाते हैं, तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? तो जो भी हमारा एक्चुअल रेंट होता है उसमें से माइनस कर देंगे अनरियलाइज्ड रेंट। तो एक्चुअली हम लोग जब जीएवी देखते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, ये जो एक्चुअल रेंट होता है ये हमारा नेट एक्चुअल रेंट होना चाहिए। नेट का मतलब इसमें से माइनस कर दीजिएगा अनरियलाइज्ड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट और नेट ARR को कंपेयर कीजिएगा। ऑल्दो इसमें कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज भी हैं, मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में बताया था कि क्या होते हैं ये, प्रैक्टिकली एक्चुअली वो टेक्निकल डिफिकल्टी सॉल्व हो गई हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है, जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइंड आउट करते हैं, भरते हैं, हम अपनी फिलअप करते हैं, तो उसमें से पहले वो GAV निकलवाता है, फिर माइनस करता है अनरियलाइज्ड रेंट, तो वहाँ पर वो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती है। बट वो क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी अभी इसमें मत जाइएगा, अभी रिविजन क्लास है, ये बात मैं रेगुलर क्लासेस में करता हूँ, ठीक है। तो आई बिलीव ये बात आपको याद आ गई होगी, इन केस अगर याद नहीं आई होगी तो फिलहाल अभी इसको ऐसे ही कर लीजिएगा कि हम अगर अनरियलाइज्ड रेंट हो गया, मतलब बैड डेट्स हो गए हैं, तो एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कीजिएगा। इसको बोलते हैं नेट ARR, बोल सकते हैं इसको। ARR मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, नेट इसलिए बोल रहा हूँ कि नेट ऑफ बैड डेट्स, नेट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। तो हमारा GAV आ जाएगी एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कौन सा, नेट अमाउंट, विच एवर इज हायर वो हमारी GAV हो जाएगी, ठीक है। कंडीशंस ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, कभी कभी ये थ्योरी में आ जाता है, ये अनरियलाइज्ड रेंट कब मानते हैं कि अनरियलाइज्ड रेंट हो गया है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि हमने जो किसी भी अपने टेनेंट को गुड फेथ में अपना ये प्रॉपर्टी रेंट पर दी थी, हमें लगा था कि वो टेनेंट बहुत एक अच्छा टेनेंट है, ठीक है, होनहार टेनेंट है, हमें टाइम से पैसे देगा, बट हमें नहीं पता था कि वो एक हमारे बैड डेट्स क्रिएट कर देगा। तो द टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड, दैट इज given in genuinely in good faith, it should not be malified, right, it should be bona fide. दूसरी बात, वो defaulting tenant ने हमारी property vacate कर दी हो, वो उसने हमारी property vacate कर दी हो। तीसरी बात, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारी किसी दूसरी property को occupy करके बैठा हुआ है, नहीं, उसने हमारी सारी properties vacate कर दी हो और हमारा rent bad debt हो गया हो, वो unrealized रह गया हो, और हमने सारे steps करके देख लिए, सारे reasonable legal steps करके देख लिए हैं, और हम AO को सेटिस्फाई कर देते हैं कि अब आगे और कोई स्टेप्स लेना कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा। उस केस में ये अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो ये हमारी अनरियलाइज्ड रेंट की कंडीशंस मानी जाती हैं। तो फर्स्ट क्या, टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड, सेकंड डिफॉल्टिंग टेनेंट ने हमारी प्रॉपर्टी वेकेट कर दी हो या फिर हमने करा ली हो, थर्ड पॉइंट उसने कोई और हमारी तीसरी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करके ना बैठा हो, सच डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज़ नॉट ऑक्यूपाइड एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द SSC, और फोर्थ है कि हमने सारे रीजनेबल स्टेप्स, सारे लीगल स्टेप्स लेकर देख लिए, फिर भी हमारा वो रिकवरी नहीं हो पाई है और हमने AO को सेटिस्फाई कर दिया कि आगे फर्दर स्टेप्स लेना कोई अकलमंदी का काम नहीं होगा। तो दीज आर द कंडीशंस ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, गेटिंग इट, ओके। एंड नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, सेक्शन 24 ये कहता है कि डिडक्शन हमारी जो NAV, सबसे पहले GAV निकाला, GAV में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस किए, अब NAV आया, अब NAV में से हम डिडक्शन देते हैं। फर्स्ट डिडक्शन होती है 24A की, ये फ्लैट डिडक्शन है, 30% ऑफ NAV, ठीक है, जो भी हमारा NAV आएगा उसका 30%, इनकेस अगर NAV कभी कभी निल आएगा 24A निल हो जाएगा, क्योंकि 30% ऑफ निल तो निल ही रहेगा,
बट हाँ, अगर एनएवी एक हमारी पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका 30% की डिडक्शन आप दे देंगे, दैट इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। 24B होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। जो जो भी आपका लोन चल रहा है, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो आपने इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, रिपेयर्स, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए लिया है, वो आपका इंटरेस्ट अलाउड होता है। ये इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पर अलाउड होता है। अगर आपने पे भी नहीं किया है तो अलाउड होता है। अगर आपने कोई पीजीबी का इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा होता है तो वो अलाउड नहीं होता है, 43B पड़ेंगे, बट वो पीजीबी में बात है। बट यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पर अलाउड होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लोन लिया था, लेट्स से फर्स्ट टाइम आपने लोन लिया था आईसीआईसीआई बैंक से, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। एक दो साल के बाद पता चला कि दूसरा बैंक, लेट्स से एचडीएफसी, आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये लोन ऑफर कर रहा है, तो आप अपना क्या कर सकते हैं, बैलेंस ट्रांसफर करा सकते हैं। तो पहले अगर वो किसी और बैंक के साथ चल रहा था, आपने ये बैलेंस ट्रांसफर करा दिया किसी और बैंक के साथ भी, तो क्या फिर अब जब दूसरे बैंक के साथ करा दिया तो क्या आपको 24B की डिडक्शन नहीं मिलेगी? मिलेगी, क्योंकि आपने क्या कहा था, जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो अब किसी दूसरे बैंक से अब आपने लोन ले लिया है, तो ये माना जाएगा कि अब यही वाला बैंक से ही आपने लोन लिया हुआ है परचेज, रिकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वगैरह कराने के लिए, तो ये अलाउड होता है। तो अगर फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन, तो इट इज अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ओरिजिनल लोन था आईसीआईसीआई बैंक से, आपने लोन ले लिया दूसरा लोन एचडीएफसी से, ठीक है, उससे पूरा का पूरा ट्रांसफर करा दिया जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, इट इज ओके, इट इज परफेक्टली फाइन। हाँ, ये आपने प्रिंसिपल अमाउंट ट्रांसफर करा दिया, राइट? यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है। बट कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने आईसीआईसीआई से लोन लिया था, लेट्स से 20 लाख रुपीज का लोन था, जिसके ऊपर इंटरेस्ट था 2 लाख रुपीज, और आपने ये इंटरेस्ट पे नहीं किया। इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए अगर आपने लोन लिया है तो दैट इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, राइट? यानी कि अगर आप लोन को रीपे करने के लिए लोन लेते हैं तो दैट इज ऑल अलाउड, बट इंटरेस्ट को पे करने के लिए अगर आपने लोन लिया तो ऐसे लोन का इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। तो लोन टेकन टू रीपे द इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, राइट? प्रिंसिपल के लिए अगर आपने प्रिंसिपल बैलेंस का एक लोन से दूसरे लोन में ट्रांसफर करा दिया, दैट इज ओके, बट इंटरेस्ट पे करने के लिए अगर आपने लोन लिया है, अगर आप बोले कि मैंने आईसीआईसीआई से लोन लिया था 20 लाख, उसके ऊपर 2 लाख का इंटरेस्ट है, आईसीआईसीआई बैंक वाले मांग रहे हैं, मैं दे नहीं पा रहा हूं, और मैंने एसबीआई से 2 लाख का लोन ले लिया, तो जो एसबीआई के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा क्या वो अलाउड होगा? नो, बिकॉज दैट इज इंटरेस्ट, वो जो लोन लिया है वो आपने इंटरेस्ट पे करने के लिए लिया है, ठीक है। और हाँ, कभी कभी क्या होता है, ये जो आपने लोन लेते हैं, कभी कभी आपका जो बिल्डर है वही आपको बोल देता है, या जो सेलर है वही आपको बोल देता है कि आप एक काम करिए, बैंक से लोन ना लेके मुझसे लोन लीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरी प्रॉपर्टी 30 लाख रुपीज की है, मेरी प्रॉपर्टी 30 लाख रुपीज की, और आपको ये परचेज करनी है, तो वो आपको बिल्डर बोल देता है, एक काम करो 10 लाख रुपए आप मुझे अभी दे दीजिए डाउन पेमेंट, और बाकी 20 लाख रुपए जो अनपेड प्राइस है हम धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स में ले लेंगे, हाँ, बट मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा सेम। वरना आप क्या करते, आपके पास 10 लाख है, आप मुझे 10 लाख देते, 20 लाख रुपीज बैंक के पास जाते लेने के लिए, एक काम करता हूँ मैं ही आपको फाइनेंसर बन जाता हूँ, तो जो आपका अनपेड प्राइस है उसकी मैं इंस्टॉलमेंट्स बना देता हूँ विद इंटरेस्ट। तो क्या ऐसा इंटरेस्ट भी अलाउड है? द आंसर इज येस, बिकॉज ये सेम वैसे ही है जैसे कि आपने बैंक से लोन ना लेकर उस सेलर से ही, उस बिल्डर से ही लोन ले लिया, तो अनपेड परचेज प्राइस भी कभी इंटरेस्ट अलाउड होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया है, 24B का जो इंटरेस्ट है वो अलाउड होता है ड्यू बेसिस, चाहे आपने उसको पे किया हो या नहीं पे किया हो, दैट इज अलाउड, वो इंटरेस्ट अलाउड होता है। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, अगर आपने कोई लोन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लैंड था और अब आप इससे अपना एक बिल्डिंग बना रहे हैं, अपनी एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो आपकी बिल्डिंग बनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, हो सकता है 1-3 साल लग जाए, तो आपका लोन तो स्टार्ट हो चुका था क्योंकि आप लोन ऑलरेडी ले चुके थे और आपकी बिल्डिंग बाद में जाके कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो आपका जो लोन का अमाउंट है जो बिफोर कंस्ट्रक्शन है, दैट्स कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट को, क्योंकि जब तक वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं थी, जब तक हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 अराइज नहीं हुआ होगा, क्योंकि सेक्शन 22 अराइज होने के लिए देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी, बट प्रॉपर्टी तब तक नहीं थी, वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी प्रॉपर्टी, तो क्या उस पीरियड का इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता? द आंसर इज यस, उसका भी हो जाता है। कैसे होता है? जब जिस साल भी आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है उस साल वो इंटरेस्ट अलाउड हो जाता है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है उसको आप निकालिए और उसको डिवाइड कीजिए 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, और उसको आप अलाउ कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर व्हेन द प्रॉपर्टी वाज कंप्लीटेड, वहां से और प्लस 4 साल और, यानी कि 5 साल में आप उसको अलाउ कर सकते हैं। वो 24B में ही ऐड हो जाता है, 24B का ही पार्ट बनता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट क्या होता है, जिसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स से हमने डेट ऑफ लोन, लेट्स से हमारा डेट ऑफ लोन है 1st ऑफ जुलाई 2021,
और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कंस्ट्रक्ट हुई है, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन जब वो कंप्लीट हो गई है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, लेट्स से 15th of September 2023 में, राइट, तो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या माना जाएगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, क्योंकि आपने लोन तो 1st जुलाई को ले लिया होगा, जिस भी बैंक से लिया है आपने, फॉर एग्जांपल एसबीआई से, एचडीएफसी से, किसी भी बैंक से लिया है आपने लोन, तो वो लोग तो इस दिन से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। तो हाँ सर, 1st जुलाई 2021 से अप टू 15th सितंबर हमारा प्री कंस्ट्रक्शन, टेक्निकली तो लेमैन तो ऐसे ही बोल देता है, बट हम लोग जानते हैं कि हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट क्या लेते हैं। सबसे पहले इसका बहुत एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, सिंपल ये देख लीजिए कि किस प्रीवियस ईयर में आपकी ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है, किस प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हो गई है। सर 15 सितंबर 2023 ये किस प्रीवियस ईयर में फॉल कर रहा है? तो ये फॉल कर रहा है प्रीवियस ईयर 23-24 में, राइट, ये डेट फॉल कर रही है प्रीवियस ईयर 23-24 में। तो यानी कि इस प्रीवियस ईयर से जितना भी आगे इंटरेस्ट है वो पोस्ट का माना जाता है। इवन टेक्निकली यानी कि इस प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर कब शुरू हुआ होगा? ये प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1st अप्रैल 2023 को। टेक्निकली स्पीकिंग 1 अप्रैल को अभी आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुई थी, अप्रैल में नहीं हुई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 23 और सितंबर 23 में जाकर 15 सितंबर को जाके कंप्लीट हुई। बट फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ दिस कैलकुलेशन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, हम इस प्रीवियस ईयर को प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड नहीं मानते हैं। यानी कि जिस प्रीवियस में, सिंपल सा कंसेप्ट है, जिस भी प्रीवियस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई वो प्रीवियस ईयर देख लीजिए क्या आ रहा है। तो अगर 15 सितंबर 2023 को प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई तो प्रीवियस ईयर क्या होगा ये? मैं तो इवन इतना भी कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है लेट्स से 31st of अप्रैल, लेट्स से अगर वो 31st of अप्रैल 2024, सॉरी अप्रैल नहीं, मार्च, लेट्स से 31st of मार्च 2024 को भी कंप्लीट हुई होती, बस मुझे ये बता दीजिए जिस दिन प्रॉपर्टी कंप्लीट हो रही है वो कौन से प्रीवियस ईयर में आ रही है वो डेट। सर ये हमारी डेट आ रही है ये 31st मार्च 2024, बिल्कुल लास्ट डेट है हमारे इस प्रीवियस ईयर की, सर इसी प्रीवियस ईयर में आ रही है। तो इस प्रीवियस ईयर को हम पोस्ट ही मानेंगे, इस पोस्ट ही मानेंगे, इससे पहले पहले का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। यानी कि हमारे इस केस में लोन स्टार्ट हुआ हमारा 1st जुलाई 2021 से। तो एक लेमैन क्या बोलेगा? सर 1st जुलाई 2021 से 15 सितंबर या 31st मार्च जिस भी दिन कंप्लीट हुआ वो प्री है। नहीं, हम क्या बोलेंगे, इस प्रीवियस ईयर को काउंट मत कीजिएगा, इससे पहले पहले। तो प्लीज बताइए इस प्रीवियस ईयर से पहले पहले कौन सी डेट आएगी? 31st मार्च 2023, ठीक है ना, इससे मैं पहले जा रहा हूँ। तो 31st मार्च 2023 यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा बस इतना पूछ लीजिए कि जिस दिन प्रॉपर्टी कंप्लीट हो रही है वो प्रीवियस ईयर कौन सा है, उस प्रीवियस ईयर को प्री का पार्ट मत बनाइए, उससे पहले पहले आप प्री का पार्ट बना सकते हैं। तो इस 1st अप्रैल 2023 से अब प्री का पार्ट नहीं बनेगा, उससे पहले पहले 31st मार्च 2023 और उससे पहले, क्योंकि हमने लोन यहाँ पर लिया था, तो ये पीरियड हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। इस पीरियड में जितना भी इंटरेस्ट है वो निकालिए, उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ करना शुरू कीजिएगा स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर। तो 23-24, 24-25 एंड सो ऑन, टोटल 5 ईयर्स में आप अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में मैं बता रहा हूँ, कोई गलती मत कीजिएगा, ओके। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट 24B में हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट मैक्सिमम, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए हम NAV निल ले लेते हैं, इंडिविजुअल रेशियो के लिए 2 प्रॉपर्टी वो लोग अलाउड हैं कि उसकी NAV निल ले सकते हैं। तो उनके लिए जो 24B का इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम अलाउड है अप टू 30,000 और 2 लाख, ज़्यादातर केसेस में 2 लाख, मैं बताऊँगा 30,000 और 2 लाख कितना कब अलाउड है, तो वो इंटरेस्ट भी अलाउड है। बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर असेसी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहा है, दैट इज न्यू टैक्स रिजीम अगर ऑप्ट कर रहा है, तो प्लीज 24B का उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जहां पर NAV निल है वहां पर ये 24B की डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और ऑप्शनल
सॉरी फॉरटेक्स रिजीम और 115 बीएसी, वहां पर ये 2 लाख की या 30,000 वाली डिडक्शन नहीं मिलती है, ये सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम में अलाउड है। तो इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज नॉट अलाउड अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, याद रहेगा ये बात है। ओके, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के मैं बता रहा था, सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर कोई भी प्रॉपर्टी 100% सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 100% सेल्फ ऑक्यूपाइड होने का ये मतलब होता है कि उसको हमने ड्यूरिंग द ईयर वहां से कोई भी इनकम जनरेट नहीं करी थी, वो लेट आउट एक दिन भी लेट आउट नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक दिन भी लेट आउट है तो फिर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एनईवी निल आप नहीं ले सकते हो। इट शुड बी 100% सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है, आप उससे कोई भी इवन नॉट लेट आउट इवन फॉर अ सिंगल डे, तो आप इसकी एनईवी निल ले सकते हो। ठीक है, इसकी आप एनईवी निल ले सकते हो। तो इसको जीएबी से स्टार्ट नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि अगर आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस पे भी करे हैं तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी एनएवी से स्टार्ट करना है। तो जीएबी माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस, जीएबी जीरो ली म्यूनिसिपल टैक्सेस करके तो नेगेटिव आ जाएगा एनएवी, तो वो नहीं करना है आपको। तो अगर आपने इसके म्यूनिसिपल टैक्सेस भी पे करे हैं तो वो भी इरेलीवेंट है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही आपका एनएवी होगा, राइट। और स्पेशल प्रोविजन है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, वो अपनी दो प्रॉपर्टीज को, वो अपनी दो प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, राइट। तो कितना होता है 24B में इंटरेस्ट, यहां पर एक लिमिट होती है। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है फिर 24B की कोई लिमिट नहीं है, बट अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है जहां पर आप एनीवे निल ले रहे हैं तो इसकी एक लिमिट होती है। अगर ये लोन लिया गया है 1 अप्रैल 1999 से पहले, बहुत पहले, पुरानी बातें होगी, ठीक है, तो आप में से काफी स्टूडेंट्स का तो डेट ऑफ बर्थ भी इसके बाद होगी, ठीक है, या फिर इसके आसपास होगी। तो अगर लोन लिया गया 1 अप्रैल 1999 को, तो पुरानी बातें होगी, जनरली नहीं पूछते, बट फिर भी अगर 1 अप्रैल 1999 से पहले लोन लिया गया है तो ये 24B की जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो है 30,000 रुपीज, राइट। बट अगर इसके बाद लोन लिया गया है 1 अप्रैल 1999 और आफ्टर उसके बाद लोन लिया गया है, फिर आप देखिए पर्पस ऑफ लोन क्या था। अगर पर्पस ऑफ लोन परचेज या कंस्ट्रक्शन करने का था, अब देखिए याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा। आपको घर परचेज करना है या पूरा कंस्ट्रक्शन करना है, उसमें ज्यादा पैसा चाहिए। रिपेयर रेनोवेशन वगैरह करानी है, कम पैसा चाहिए। तो ठीक वैसे ही अगर आप ऐसे ही करेंगे कि जहां पर ज्यादा पैसा चाहिए वहां पर ज्यादा डिडक्शन अलाउड होगी, जहां पर कम पैसा चाहिए रिपेयर रेनोवेशन वगैरह के लिए वहां पर कम डिडक्शन अलाउड होगी। तो अगर आप परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, प्लस जब से आपने लोन लिया है उसके 5 साल के अंदर अंदर आपका ये घर कंस्ट्रक्ट हो गया था, तो आपकी मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख है। यहाँ पर दो लिमिट है, दो दो कंडीशंस हैं। एक तो आपने परचेज या कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लिया हो, साथ साथ में एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर व्हेन द लोन इज टेकन। जब भी आपने लोन लिया है उसके एंड में आ जाइए, वहां से अगर आपका ये घर 5 साल में कंप्लीट हो गया है, तो जनरली अगर ये वाला पॉइंट साइलेंट है तो एज्यूम कीजिएगा 5 साल में प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई होगी, क्योंकि 5 साल में तो हो जाती है ना, 2-3 साल में तो मैक्सिमम हो ही जाती है प्रॉपर्टी कंप्लीट। तो अगर ये वाला पॉइंट साइलेंट है तो एज्यूम कीजिएगा ये वाला कंडीशन अलाउड हो गई है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक फुलफिल हो गई है। तो मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख होती है। बट अगर आपका फॉर एग्जाम्पल अगर प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली क्वेश्चन ऐसा दे दे कि प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है 5 साल के बाद जाकर, तो फिर आप सिर्फ 30,000 देंगे, अदर केसेस में 30,000। या फिर अगर आपने लोन परचेज या कंस्ट्रक्शन करने के लिए नहीं लिया था, किसी और रीजन से लिया था, रिपेयर कराने के लिए था, रेनोवेशन कराने वगैरह के लिए था, तो उस केस में भी लिमिट 30,000 करेक्ट। जनरली 2 लाख आती है, बट यस कभी कभी 30,000 भी हो सकती है, और आप समझ गए कि किस कब 30,000 रुपीज लेनी है। अगर लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया गया हो 30,000, उसके बाद भी लिया गया हो पर रिपेयर्स रेनोवेशन वगैरह के लिए लिया गया हो तो 30,000, क्योंकि हमें कम लोन लेना होता है, कम लिमिट मिली आपको 30,000 रुपीज की। या फिर अगर आपका कंस्ट्रक्शन परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था और कंस्ट्रक्शन करने में 5 साल से भी ज्यादा लग गए, ठीक है, 5 साल कहाँ से देखने, जिस साल आपने लोन लिया उसके एंड में आइएगा, वहां से 5 साल उससे भी ज्यादा लग गए हैं, तो फिर 30,000 लेते हैं, अदरवाइज जनरली आप देखेंगे 2 लाख ही मिलती है। ओके, और मैंने जैसे बताया है कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये जो आपका 30,000 या 2 लाख वाली जो डिडक्शन आपको मिलेगी वो न्यू स्कीम में, दैट इज डिफॉल्ट स्कीम में नहीं है, ठीक है, वो डिफॉल्ट स्कीम में नहीं है, वो आप सिर्फ ऑप्शनल स्कीम में ही ले सकते। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, सर यहाँ पर इंडिविजुअल को अगर वो दो घर को प्रॉपर्टी मान सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो क्या दोनों घर के लिए 2 लाख 2 लाख मिलेगी? नहीं जी, टोटल कंबाइंड लिमिट ही 2 लाख है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों घर के लिए 2 लाख 2 लाख सेपरेटली ले सकते हैं, दिस इज पर असेसी 2 लाख की लिमिट। ओके, सेक्शन 25 एक छोटा सा सेक्शन है, वो कहता है कि डिडक्शंस जो हमारी, देखो दो डिडक्शंस है हमारी,
एक तो होती है हमारी स्टैट्यूटरी डिडक्शन 24A 30% ऑफ एनईवी, और दूसरी डिडक्शन होती है इंटरेस्ट की। ठीक है, सिर्फ दो डिडक्शन मिलती है और कोई डिडक्शन तो मिलती नहीं हाउस प्रॉपर्टी में। तो कभी कभी जो इंटरेस्ट आपने वो लोन लिया है, अगर वो इंडिया के बाहर से लिया हुआ है, ठीक है, अगर वो लोन आपने बोरो किया है इंडिया के बाहर से और इंटरेस्ट आप ये इंडिया के बाहर पे कर रहे हैं, तो प्लीज इसके ऊपर TDS डिडक्ट करके कीजिएगा। अगर ये बिना TDS डिडक्ट करे आपने लोन का ये इंटरेस्ट आपने पे करा है तो वो इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता है। या फिर इनकेस उसकी भी एक्सेप्शन ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल उस नॉन रेजिडेंट को, जिस नॉन रेजिडेंट को आप पे कर रहे हैं, अगर उसका एजेंट इंडिया में है तो फिर भी अलाउड होता है, बट अगर उसका एजेंट भी इंडिया में नहीं है। ये एजेंट वाली बातें आप मेनली डिटेल में पढ़ते हैं, ये 163 हमारे कोर्स में नहीं है, हम डिटेल में पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेवल CA फाइनल में, हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। हाँ, बट सिर्फ अभी फिलहाल के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है, या तो आपने उसका TDS डिडक्ट किया हो या फिर अगर उसका एजेंट इंडिया में है तब तो ये अलाउड होगा, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये अलाउड नहीं होगा, ठीक है। विद इन इंडिया अगर आपने पे करा फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। उसके बाद रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, हम लोग जानते हैं अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, बैड डेट्स होते हैं, ठीक है, कोई हमारा टेनेंट था वो भाग चुका था, उसने हमें पैसे नहीं दिए थे और वो चला गया, बाद में वो फॉर एग्जांपल 1 साल के बाद 2 साल के बाद 3 साल के बाद आता है और वो हमें पैसे दे देता है, इसको कहते हैं रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। या फिर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट, फॉर एग्जांपल हमारा कोर्ट केस चल रहा था, हम अपने टेनेंट को बोल रहे थे कि रेंट बढ़ा दे, पर वो बढ़ा नहीं रहा था, फिर हमारा कोर्ट केस चलता रहा, फिर अल्टीमेटली हम वो एक केस जीत गए और वो हमारा एरियर्स ऑफ रेंट हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर जब कभी भी आपको ये ऐसी रिकवरी होती है अनरियलाइज्ड रेंट की या रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट की, तो वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ही बनेगी, वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनेगी। और याद रखिए, हो सकता है कि जब आपको ये रिकवरी हो रही हो सकता है वो प्रॉपर्टी आपने बेच दी हो पहले से, उस प्रॉपर्टी के आप मालिक भी नहीं है आप, बट फिर भी यहाँ पर ये आपकी डीम्ड टू बी हाउस प्रॉपर्टी इनकम बन जाएगी। ये बन जाएगा कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और ये इररिलेवेंट रहेगा कि वो आपके पास प्रॉपर्टी अभी है या नहीं है, राइट क्योंकि एक एक्सेप्शन है हो गई सेक्शन 22 की। सेक्शन 22 कहता है कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम तभी मानी जाएगी अगर आप ओनर हैं, बट ये उसकी एक्सेप्शन है कि कभी कभी आप ओनर भी नहीं है बट फिर भी अगर वो आपको इनकम मिल जाती है अनरियलाइज्ड रेंट या एरियाज ऑफ रेंट तो आपकी डीम्ड हाउस प्रॉपर्टी इनकम बन जाएगी। बट प्लीज ध्यान रखिएगा, इसमें जितना भी आपका अमाउंट मिलता है उसमें से 30% की डिडक्शन देने के बाद सिर्फ 70% ही आपकी इनकम बनेगी। तो यहाँ पर एक 30% की फ्लैट डिडक्शन दे दीजिएगा। और किस साल आपकी इनकम बनेगी, जिस साल वो एक्चुअली आपको रिसीव हो गया पैसा, फॉर एग्जांपल कोर्ट ने बोल दिया हाँ जी आप केस जीत गए और आपको ये पैसा मिलना चाहिए, बट वो पैसा आपको मिला नहीं है अभी तक, तो क्या हम इनकम बनाते? नहीं, जब वो एक्चुअली रिसीव हो जाता है तब आप इनकम बनाइएगा। वो जो आपका बैड डेट हो गया था, वो डेटर जो आपका टेनेंट था वो भाग गया था, किसी दिन वो आपको मिल जाता है मार्केट में और वो कहता है अरे सर मैंने आपका रेंट नहीं दिया, मैं कल आकर देता हूँ, तो उसने प्रॉमिस कर दिया वो कल आएगा, क्या हम उसको इनकम बनाते? आंसर इज नहीं। जब तक ये पैसे आपको एक्चुअली रिसीव नहीं हो जाते तब तक आप इसको इनकम मत बनाइएगा। जब एक्चुअली रिसीव हो जाए तब ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम बन जाएगी। सर उसका घर हम बेच चुके थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम बन जाएगी। कितनी? 30% माइनस करने के बाद, यानी कि रिमेनिंग 70%। क्लियर है? प्रॉपर्टी विच हैज मल्टीपल यूनिट्स, अगर आपकी प्रॉपर्टी के मल्टीपल यूनिट्स हैं और वो आप मल्टीपल डिफरेंट यूजेस कर रहे हैं, अगर आप मल्टीपल यूनिट्स हैं सिंगल यूज है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे घर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका या मेरा घर है उसके दो फ्लोर हैं, दोनों घर में दोनों फ्लोर पर आप ही रहते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उसका सिंगल यूज हो रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये पूरे घर को लेट आउट करा हुआ है फिर भी सिंगल यूज है लेट आउट, ठीक है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के डिफरेंट यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पोर्शन आपका लेट आउट है, एक पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या एक पोर्शन बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, अगर आप इसके डिफरेंट यूजेस कर रहे हैं तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे? जो पार्ट आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं वो तो आप हाउस प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दीजिए, वो तो सारा का सारा PGBP माना जाएगा, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ लिया चार्जिंग सेक्शन, वो कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी आप बिजनेस में यूज ना कर रहे हो, वरना तब हाउस प्रॉपर्टी इनकम फिर नहीं बनती। तो जो पोर्शन अगर आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो PGBP के एक्सपेंसेस बनेंगे, उससे रिलेटेड जो भी इनकम आएगी वो PGBP की इनकम बनेगी, करेक्ट। बट अगर आपका कोई पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक पोर्शन आपका लेट आउट है तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनाइएगा। कैसे करेंगे आप? बहुत सिंपल है। तो फिर आप अपने यूनिट्स को एक डिफरेंट हाउस की तरह ट्रीट करेंगे, डिफरेंट हाउस की तरह ट्रीट करेंगे। उस केस में आप कॉलम्स बना सकते हैं, एक पोर्शन लेट आउट का, एक पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड का, जैसे भी हमें दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 1/3 लेट आउट है या 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं या GAV वगैरह उसकी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दीजिएगा। या फिर ऐसा दिया हुआ है कि एक फ्लोर है दो फ्लोर है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल दो फ्लोर्स हैं, एक फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है एक फ्लोर लेट आउट है, तो एज्यूम कर कीजिएगा 50-50%। तो अपनी GAV को भी 50-50% निकालिएगा,
म्युनिसिपल टैक्सेस पे करें तो वो भी 50-50% कर दीजिएगा, तो वो भी जिस रेशियो में आपका ये एरिया है उस रेशियो में डिवाइड कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एज्यूम करिएगा कि इक्वल रेशियो है, राइट। तो एनएवी भी अलग अलग आएगी, और फिर जितना भी इंटरेस्ट पे करा है, जितना भी इंटरेस्ट पे करा है वो भी डिवाइड कर दीजिएगा। और हाँ, अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए है उसके लिए आप मैक्सिमम 30,000 या 2 लाख एज द केस में भी वो मैक्सिमम ले सकते हैं, बट प्लीज वो सिर्फ ऑप्शनल स्कीम में लीजिएगा। न्यू स्कीम में अगर आप फॉलो कर रहे हैं डिफॉल्ट रिजीम, उसमें वो 2 लाख या 30,000 डिडक्शन मत दीजिएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की। ध्यान रखिएगा, ये एग्जामिनर आपसे जरूर पूछ सकता है ये वाली बात है, ठीक है। ओके, को ओन प्रॉपर्टी। को ओन प्रॉपर्टी होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे एक प्रॉपर्टी है जिसके दो या दो से ज्यादा ओनर्स हैं, तो उस केस में देखते हैं कि जो ओनर्स हैं क्या उनका ओनरशिप रेशियो, जो उनकी ओनरशिप है क्या वो असर्टेनेबल है, पता है क्या कितना परसेंट किसका ओनरशिप है। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं पता है कि हमें ये नहीं पता कि कौन कितना परसेंट का ओनर है, तो उस केस में हम पूरी की पूरी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो असेस करते हैं एज एओपी इनकम असेस करते हैं, फिर हम इंडिविजुअल के लिए नहीं, फिर एज एन एओपी करेंगे। बट इन केस अगर वो जो ओनरशिप रेशियो है वो असर्टेनेबल है, पता है कि मिस्टर ए 30% का ओनर है, मिस्टर बी 70% का ओनर है, लेट से हमें पता है कि वो ओनरशिप का रेशियो क्या है। अगर इन केस अगर ओनरशिप का रेशियो पता है तो फिर ये पूछे क्या वो प्रॉपर्टी लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इन केस वो प्रॉपर्टी लेट आउट है, ठीक है, जहां पर आपको ओनरशिप रेशियो असर्टेनेबल है। अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट है तो पहले उसको प्रॉपर्टी के सिंगल ओनरशिप मानते हुए पहले इनकम निकाल दीजिए नॉर्मली, जैसे हम इनकम निकालते हैं नॉर्मली इनकम निकाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी इनकम आए उसको स्प्लिट कर दीजिएगा ओनरशिप रेशियो में। तो अगर ओनरशिप रेशियो असर्टेनेबल है एंड प्रॉपर्टी लेट आउट है तो पहले नॉर्मली इनकम निकाल दीजिएगा उस प्रॉपर्टी की, फिर जो भी इनकम आपके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आए उसके ओनरशिप रेशियो में डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। बट अगर वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ओनरशिप रेशियो असर्टेनेबल है, पता है किसका कितना ओनरशिप रेशियो है, बट वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस केस में फिर शुरू से ही अलग अलग कीजिएगा। फिर शुरू से ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो दोनों की एनएवी आप अलग अलग निल लीजिए। 24A की रिडक्शन 30% ऑफ एनएवी ऑब्वियसली निल ही रहेगी क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए एनएवी निल थी। 24B अगर फॉर एग्जाम्पल लोन चल रहा है तो दोनों का जितना जितना लोन का शेयर है वो आप उसको माइनस कर सकते हैं। अगर वो फॉर एग्जाम्पल 2 लाख 2 लाख भी है तो आप दोनों के लिए 2 लाख 2 लाख माइनस कर सकते हैं अगर आप ऑप्शनल स्कीम फॉलो कर रहे हैं तो। सर क्या फिर दोनों लोग अपना अपना 2 लाख 2 लाख ले सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा 2 लाख रुपीज़ की या 30,000 एज द केस में भी जो लिमिट है ये पर असेसी है, राइट। तो अगर वहाँ पर ऑलरेडी 2 असेसी हो गए तो आप इनके लिए अलग अलग दे सकते हैं, बट प्लीज ऑप्शनल स्कीम में ही दीजिएगा। न्यू स्कीम में तो आपको पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर 24B की रिडक्शन नहीं मिलती है, ठीक है। को ओनरशिप इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सेक्शन 27 जो हमारा लास्ट सेक्शन होता है हाउस प्रॉपर्टी में, सेक्शन 27 कहता है डीम्ड ओनरशिप। कभी कभी हमारा जो असेसी है वो उसका रियल रजिस्टर्ड ओनर तो नहीं होता बट फिर भी उसको हम मानते हैं कि वही ओनर है। तो अगर फॉर एग्जांपल असेसी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी अपने स्पाउस को, उसने अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दी और कोई कंसिडरेशन नहीं लिया है वहां से, तो अगर विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन अगर हमने अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दी है तो हम ही उसके डीम्ड ओनर माने जाते हैं। जनरली लोग ऐसा क्यों करते हैं? अपना टैक्स बचाने के चक्कर में वो लोग ऐसा करते हैं, बट हम असेसी आप ही को ओनर मानेंगे। ऑल दो उसकी रियल ओनर रजिस्टर्ड ओनर हो सकता है उनके स्पाउस हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने अपनी वाइफ मिसेस ए को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ठीक है, टैक्स बचाने के चक्कर में, बट हम उनको बोलेंगे बॉस इससे कोई फायदा नहीं होगा, हम इसके डीम्ड ओनर आप ही को मानेंगे और हाउस प्रॉपर्टी इनकम आप ही के हाथों में अराइज कर देंगे, राइट। बट इसमें याद रखिएगा फॉर एग्जाम्पल अगर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और बात डिवोर्स पर आ गई और मिसेज ए कहते हैं ठीक है मैं आपको डिवोर्स दे रही हूँ पर ये घर मेरे नाम करिए, तो इन केस अगर घर ट्रांसफर किया गया बिकॉज ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ लिविंग अपार्ट, उस केस में तो फिर डीम्ड ओनर हम ट्रांसफर को नहीं मानेंगे, फिर तो ऑब्वियसली स्पाउस भी चली गई तो घर भी मानो चला गया, ठीक है, उस केस में फिर हम नहीं मानते। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड, अगर हमने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दिए विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन तो भी हम उसके डीम्ड ओनर माने जाते हैं। एक्सेप्शन है माइनर मैरिड डॉटर को करी है फिर हम डीम्ड ओनर नहीं माने जाते, बट हाँ फिर क्लबिंग के प्रोविजंस लग जाते हैं, वो हम क्लबिंग में बातें करेंगे, क्योंकि क्लबिंग में तो माइनर चाइल्ड की इनकम जितनी भी आ रही है फिर वो क्लबिंग होती ही होती है, चाहे वो मैरिड डॉटर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होती है। बट यस अगर माइनर चाइल्ड को करा है तो हम डीम्ड ओनर माने जाएंगे, बट अगर माइनर मैरिड डॉटर को करा है फिर डीम्ड ओनर नहीं मानते, ऑल्दो क्लबिंग के प्रोविजंस फिर भी लगते हैं। होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट, अगर कोई ऐसी स्टेट है जिसके पार्टीशन नहीं हो सकते, ठीक है, उसके पार्टीशन करना पॉसिबल नहीं है, तो जो भी उसको केयर टेक करता है, जो भी उसका
होल्डर है इम्पार्टेबल स्टेट का, उसी को डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हु ओन्स द शेयर्स ऑफ अ सोसाइटी, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे हम दिल्ली में बातें करें तो पतपड़गंज, रोहिणी, प्रीतमपुरा में काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं, हर शहर में आप देखते हैं सोसाइटी का कंसेप्ट है। तो वो सोसाइटी क्या होती है, कुछ मेंबर्स मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, वो एक लैंड खरीदते हैं और फिर उस लैंड के ऊपर अपने अपने वहाँ पर पूरी बिल्डिंग बनाते हैं और वो फ्लैट्स अलॉट हो जाते हैं। तो उसका जो रियल ओनर होता है उस प्रॉपर्टी का, वो तो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो नाम रजिस्टर्ड होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, बट सब लोगों को क्या मिल जाता है, उन मेंबर्स को क्या मिल जाता है, उनको शेयर्स मिल जाते हैं, ठीक है, उनको शेयर्स मिल जाते हैं। और अगर वो अपना ये घर बेचना चाहे तो अपने शेयर्स ट्रांसफर करते हैं, ऑल्दो वो उनके उसके रजिस्टर्ड ओनर नहीं है, बट फिर भी हाँ उनको ही ओनर माना जाएगा। तो क्या वो अपना घर किराए पर भी दे सकते हैं? हाँ वो दे सकते हैं। तो उस केस में ऑल्दो दे आर नॉट रजिस्टर्ड ओनर, बट वो मेंबर्स हैं, उन्होंने पैसे दिए देकर शेयर्स खरीदे थे उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो उस केस में वो लोग भी उसके डीम्ड ओनर माने जाएंगे, राइट। पर्सन हु हैज पेड कंसिडरेशन एंड टेकन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपने उसके पैसे भी दे दिए और आपको उसकी पोजेशन भी मिल गई, बट वो अभी एक दो महीने तक अभी वो आपके नाम नहीं हुआ है, रजिस्टर्ड आपके नाम नहीं हुआ है, फिर भी आप उसके रियल ओनर माने जाते हो। कोई ना कोई छोटा मोटा एग्रीमेंट हुआ होगा, आपने उसके पैसे भी दे दिए हैं और आपको उस घर की कीज भी मिल गई, आपको उसकी पोजेशन भी मिल गई है, तो उस केस में आपको हम लोग ही आपको डीम्ड ओनर मानेंगे, ऑल्दो अभी तक आपके नाम वो रजिस्टर्ड हुआ नहीं है। तो जनरली क्या होता है प्रैक्टिकली, फॉर एग्जांपल जैसे बिल्डर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सुपरटेक है या फिर डीएलएफ वगैरह, इन लोगों ने प्रॉपर्टी बनाई, ये आपसे पैसे ले लेते हैं, आपको पोजेशन भी दे देते हैं और कहते हैं कि आपकी जो रजिस्टर्ड होगी वो 6 महीने के बाद होगी, तो ड्यूरिंग द 6 मंथ्स के आप इसको ओनर नहीं माने जाएंगे, आप माने जाएंगे। अगर आपने इसकी कंसिडरेशन पे कर दी है, पोजेशन भी ले लिए, तो भी आप इसके डीम्ड ओनर माने जाते हैं। या फिर जो लीज होल्ड राइट होते हैं जिसके पास, अगर आपके पास 12 साल से ज़्यादा के लिए लीज होल्ड राइट्स आ जाते हैं किसी प्रॉपर्टी के, तो आप भी इसके ओनर्स ओनर मान लिए जाते हैं। तो दीज आर द कंसेप्ट जहाँ पर आप डीम्ड ओनर मान लिए जाएंगे। कुछ इनकम हम जानते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी कुछ इनकम एग्जेम्प्ट होती है, जैसे कि अगर कोई एग्रीकल्चर बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर खेत था, उससे जो इतनी भी इनकम आएगी वो हम जानते हैं, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। हो सकता है उस खेत में एक हमने एक छोटा सा रूम बनाया हुआ हो, वो भी हमने लेट आउट कर दिया, जिससे कि जितना भी क्रॉप्स वगैरह हम काट के रखेंगे उसको वहाँ पर रख सकते हैं हार्वेस्ट करके। तो इन केस अगर हमने ऐसी बिल्डिंग फॉर एग्रीकल्चर पर्पस रेंट पर दी है, तो दैट इज अगेन एन एग्रीकल्चर इनकम, वो एग्जेम्प्ट होती है। और हाँ, हाउस प्रॉपर्टी इनकम जब लोकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन, यूनिवर्सिटी, अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इनकी आती है, तो इनकी इनकम भी एग्जेम्प्ट, राइट। लास्ट कंसेप्ट है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट होता है कि आपकी ये इनकम, इनकेस अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेट आउट करी है, बट साथ साथ में कुछ अदर फैसिलिटीज़ या अदर बेनिफिट्स भी आपने लेट आउट करते हैं, लेट्स से आपके लिफ्ट्स के पैसे आप चार्ज करते हैं या फिर सिक्योरिटी के पैसे चार्ज करते हैं और आपको एक लमसम रेंट मिलता है, तो उस केस में वो कंपोजिट रेंट माना जाता है। तो सिर्फ इतना सा पूछिए कि क्या ये हम दोनों चीज़ें सेपरेटली अलग अलग लेट आउट कर सकते हैं, क्या फिर बिल्डिंग को हम अलग लेट आउट कर सकते हैं और बाकी ये जो हम दूसरी सर्विसेज दे रहे हैं या दूसरे एसेट्स दे रहे हैं, क्या हम इसको सेपरेट लेट आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर आंसर आ जाए हाँ कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट लेट आउट कर सकते हैं, तो जितना पोर्शन बिल्डिंग से रिलेटेड होता है वो हमारा हाउस प्रॉपर्टी इनकम बन जाएगा, और जितना पोर्शन अदर सर्विसेज या अदर एसेट्स का आ रहा है वो हमारी IFRS इनकम बन जाएगी। कभी कभी वो इनकम PGBP की भी बन सकती है, अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐसी चीज़ें जो आपने अदर असेट्स या अदर सर्विसेज दी हैं, अगर आपका खुद का बिजनेस हो ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करने का, तो फिर वो आपकी PGBP की इनकम भी बन सकती है, अदरवाइज IFRS की इनकम। तो अगर वो दोनों लेटिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी अगर वो सेपरेबल हैं, अगर आंसर आ जाए हाँ जी सेपरेट है, आप आराम से इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो उस केस में जो बिल्डिंग से रिलेटेड इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी बनेगी, जो अदर असेट्स या अदर सर्विसेज से रिलेटेड इनकम है वो IFRS होगी, कभी कभी PGBP भी हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ दैट केस, राइट। बट अगर इन केस अगर आंसर आ जाए कि नहीं ये तो हम इनकम सेपरेट कर ही नहीं सकते, ये जो हमने लेट आउट करा है प्रॉपर्टी को, अगर हमने इसके साथ अदर असेट्स दिए हैं वो हम सेपरेट ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, हमने वो ऑडिटोरियम किराए पे दिया और साथ साथ में वहाँ पे चेयर्स थी जो अटैच थी या स्क्रीन लगी हुई थी वो अटैच थी, उसको हम सेपरेटली दे ही नहीं सकते। अगर हम ये जाएगा तो पूरा का पूरा एक साथ ही हम इसको लेट आउट करेंगे, अगर वो दोनों चीज़ें सेपरेट करना मुश्किल हो, अगर आप उसको अलग अलग लेट आउट नहीं कर पाएंगे, तो एंटायर इनकम IFRS की बनेगी। हाँ अगर आपको उस
तरह के असेट्स देने का आपका बिजनेस है तो पीजीपी भी बनेगी, उस केस में हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं बनती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट। तो एंटायर इनकम अगर आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो एंटायर इनकम विल बी पीजीबीपी और आईएफएस, डिपेंड्स ऑन दैट केस, राइट। हाउस प्रॉपर्टी इनकम बंद बनाइएगा। तो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, छोटा सा चैप्टर होता है हाउस प्रॉपर्टी का, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ जी बिल्कुल इसके ऊपर आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। तो मैं वही कहूंगा दोबारा से कि प्लीज प्रैक्टिस करते रहिएगा, स्पेशली कुछ भी नहीं कर रहे तो ना आपके जो स्टडी मटेरियल का जो पीछे की बैक एक्सरसाइज है, स्टडी मटेरियल आई से स्टडी मटेरियल की पीछे के आपके पास क्वेश्चंस मिले हैं वो जरूर कर करिएगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम एम्पल टाइम है, अभी थोड़ा और टाइम है, तो उसके साथ उसको करने के बाद अगर कम टाइम है तो कम से कम उतना तो करना ही है, ठीक है। थोड़ा सा और टाइम है आपके पास तो प्लीज़ कम से कम पिछले 4 से 5 आपके पास एग्जामिनेशन पेपर्स आरटीपीज या एमटीपीज जरूर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा पीजीबीपी का, अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लवेबल चैप्टर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।